हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं तेजस्वी दीक्षित एक बार फिर वापस से आपका टॉपर्स नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और कल हमने हिंदी के सिलेबस के बारे में पूरा देख लिया था, तो राजस्थान पटवारी का हिंदी का सिलेबस एक बार पूरी तरीके से देखने के बाद चलिए आइए हम आज स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली क्लास जिसका नाम है संधि। तो संधि क्या होती है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तनों को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उनसे जो नया जो उत्पन्न होता है उसको संधि कहा जाता है। अर्थात दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। अगर कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ तो वह संधि नहीं कहलाएगा। यह नियम जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर किसी वर्ण को दूसरे वर्ण से मेल होता है और विकार उत्पन्न होता है तो ही संधि होगा। अगर कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ तो वह संधि नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं संधि के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कोई भी, जैसे विद्यालय हुआ, विद्या धन आलय, तो जो आ है वो आ के साथ मेल खाता है और उसके बाद एक विकार उत्पन्न हुआ तो बना विद्यालय। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर विकार उत्पन्न नहीं हुआ तो संधि नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के तीन भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब हम इनके बारे में भी डिस्क्राइब बिल्कुल गहराई से पढ़ेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, व्यंजन संधि के कौन कौन से नियम है और विसर्ग संधि के कौन कौन से नियम है। तो हम सबसे पहले चलते हैं स्वर संधि की ओर। स्वर संधि क्या होती है, जैसा नाम से बिल्कुल स्पष्ट हो रखा है कि स्वर का स्वर से मेल होगा तो स्वर संधि होगी, या फिर देख लिया जाए स्वर संधि है तो इसमें केवल स्वर का स्वर से ही मेल होगा। अर्थात जब ये प्लस का चिन्ह होगा तो इस तरफ आने वाले और इस तरफ आने वाले पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर दोनों ही स्वर होंगे। ध्यान रखिए कि स्वर संधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या नियम है कि जो पहले शब्द का अंतिम अक्षर है और जो दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर है, अगर दोनों स्वर हैं और दोनों के मेल से एक विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है तो ही हम उसे स्वर संधि कहेंगे। अच्छा, अगर पहले शब्द का प्रथम जो अंतिम अक्षर है वो स्वर है और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर अगर स्वर नहीं है तो हम उसे स्वर संधि कभी भी नहीं कहेंगे। दोनों पहले जो शब्द है उसका अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर को स्वर होना अत्यावश्यक है, जब ही वह स्वर संधि कहलाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि स्वर संधि की परिभाषा कि स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं, हम बिल्कुल अभी पढ़ चुके हैं पूरी तरीके से। और जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर संधि के पांच प्रकार हैं। सबसे पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि, चौथा यण और पांचवा अयादि। बहुत सीधे हैं, सबसे पहला है दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, फिर अयादि, वो फिर यण और अयादि। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि को। जब दो समान स्वरों का मेल हो तो दीर्घ स्वर संधि होती है। देखो, दीर्घ स्वर संधि को बिल्कुल आसानी से पहचाना जा सकता है, बहुत आसान है। ये ध्यान रखो, इसके अंदर स्वर हमेशा दीर्घ रूप में जाएगा। जैसे एक तो हुई छोटी ई, एक बड़ी हुई बड़ी ई। जब दो समान स्वर जैसे ई या ई के साथ ई या ई का मेल हो तो हमेशा परिवर्तन में बड़ी ई हो जाएगा। ए या आ के साथ ए या आ का मेल हो तो हमेशा परिवर्तन में आ हो जाएगा। ऊ या छोटे ऊ या बड़े ऊ के साथ छोटे ऊ या बड़े ऊ का मेल हो तो परिवर्तन में हमेशा बड़ा ऊ हो जाएगा। यह नियम है। तो कभी भी देखो कि दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। दीर्घ स्वर संधि होती है दो समान स्वरों का मेल। एक जैसे दो स्वरों का मेल जो है वो दीर्घ स्वर संधि होती है। यदि दीर्घ स्वर ए ई उ री के पश्चात क्रमशः हस्व या दीर्घ ए ई उ री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ री हो जाते हैं। अर्थात ए या ए के साथ ए या ए आ नहीं ए या आ के साथ ए या आ का मेल हो तो क्रमशः बन जाएगा आ। छोटी ई या बड़ी ई के साथ छोटे ई या बड़े ई का मेल हो तो बन जाएगा बड़ी ई। छोटे ऊ या बड़े ऊ के साथ छोटे